वेरी गुड इवनिंग बच्चों, वेलकम ऑल ऑफ यू ने फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक चैनल। ओके, तो आज हम बात करने वाले हैं एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन के बारे में, और मैं हूं आपका बायोलॉजी टीचर अनुप सर। ठीक है, तो हमने इसमें से पहले दो सेशन हमने ले चुके हैं, और आज हम बात करने वाले हैं बेसिकली माइक्रोब्स के बारे में। ठीक है, तो देखो, जैसे ही माइक्रोब्स के बारे में बात होने वाली है हमारी, तो माइक्रोब्स में क्या क्या आने वाला है। जैसे माइक्रोब्स, हमको पता है कि माइक्रोब्स आर बेसिकली वॉट, वेरी स्मॉल ऑर्गेनिजम्स एंड दे आर फाउंड एवरीवेयर। ओके, स्मॉल एंड फाउंड एवरीवेयर, और इनका इस्तेमाल हम काफी सारे चीजों में कर रहे हैं बहुत सालों से। ओके, जैसे हमारे बुक्स में दिया है, तुमने देखा होगा, बेसिकली डोसा, इडली एंड ढोकला, ये जो भी हमारे खाने पीने की चीजें हैं, रूटीन लेवल पे जो चीजें हैं, दे आर ऑल फर्मेंटेशन। ओके, दे आर फर्मेंटेड प्रोडक्ट है ये सभी के सभी। ओके, इसके लिए भी हम माइक्रोब्स का इस्तेमाल काफी तौर पर करते हैं। अभी यहाँ पे करने वाले क्या, यहाँ पे मेन चीज और क्वेश्चन किस पे बनेगा। ओके, क्वेश्चंस बनने के लिए अपने को ध्यान में रखना पड़ेगा माइक्रोबियल स्पेसिस। इस सेक्शन से क्वेश्चंस बने ही बने हैं एवरीवेयर। ओके, मतलब वो तुम्हारा बोर्ड का एग्जाम हो, सीटी का हो, या नीट का हो, उस पे ये एग्जाम में क्वेश्चंस बने ही बने। ठीक है, तो जैसे डोसा, ढोकला और इडली, अगर इसके ऊपर आए तो उसके ऊपर वन लाइन क्वेश्चन भी बोर्ड में बनता है कि भाई कौन से माइक्रोब से हम बना सकते हैं। तो देखो, यहाँ पे है ल्यूकोनोस्टॉक। ओके, ये आपको याद रखना पड़ेगा, एंड स्ट्रेप्टोकोकस स्पेसिस। ओके, ल्यूकोनोस्टॉक और स्ट्रेप्टोकोकस स्पेसिस के हिसाब से अपन ये बनाते हैं। ओके, और सीओ टू उसमें बनता है, जो बबल्स बेसिकली बन रहे हैं वो सीओ टू के बबल होते हैं। ये एक बार क्वेश्चंस भी है हमारे सीईटी का। ओके, सो दैट इज द पॉइंट। फिर हम आते हैं एससीपी के ऊपर। एससीपी हम डिस्कस कर चुके हैं, दैट इज कॉल्ड एज सिंगल सेल प्रोटीन। दे आर बेसिकली द ड्राइड एंड डेड सेल्स ऑफ माइक्रोब्स लाइक अल्गी, बैक्टीरिया, ईस्ट एंड मोल्ड, ये हमको पता ही है। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अभी बहुत सारे डेयरी प्रोडक्ट भी है जो हम बेसिकली माइक्रोब्स की मदद से बनाते हैं। ओके, जैसे कर्ड हो गया, बटर मिल्क हो गया, चीज हो गया, उन्हीं का नाम यहाँ पे बुक्स में दिया हुआ है। तो बेसिकली देखो, डेयरी प्रोडक्ट्स में क्या क्या बन रहा है। सबसे पहले है लैक्टिक एसिड बैसिलिया, जो हमारे लिए बहुत सारा काम कर रहा है, दैट इज कॉल्ड द लैक्टो बैसिलाई। ओके, लैक्टो बैसिलाई से ही हम बेसिकली क्या बनाते हैं, लैक्टो शुगर को मिल्क में कन्वर्ट, मिल्क को लैक्टो शुगर में कन्वर्ट कर लैक्टिक एसिड बना देता है। ओके, तो मिल्क में जो भी शुगर है, तो कौन सा शुगर होता है, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। तो ध्यान में रखो, लैक्टो शुगर ऑफ मिल्क, तो कौन सा मिल्क में शुगर कौन सा बनता है, ये बेसिकली एमसीक्यू बन सकता है यहाँ पे। ओके, लैक्टो शुगर जो इसमें कन्वर्ट हो रहा है भाई, लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है। ओके, दैट विल द फंडामेंटल। देन देयर इज अनदर फंडामेंटल कॉल्ड द कर्ड। कर्ड हमको पता है, ओके, लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस। ओके, ये माइक्रोब्स का नाम है, ध्यान में रखना, इट इज बेसिकली माइक्रोब्स नेम, और ये नेम ही पूछते हैं एग्जाम के अंदर, वो सीटी हो, नीट हो, या बोर्ड के एग्जाम हो। ठीक है, तो कर्ड के लिए कौन सा है, लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस, और योगर्ट के लिए क्या है, इट इज प्रोड्यूस्ड बाय कर्डलिंग मिल्क विद द हेल्प ऑफ स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस। ओके, एंड लैक्टोबैसिलस बल्गारिकस। ओके, तो ये इनके नाम ही मेन है। ठीक है, बटर मिल्क जैसे है, जैसे इसको हम मराठी में ताक बोलते हैं। ओके, एसिडुलेटेड लिक्विड लेफ्ट आफ्टर चर्निंग ऑफ बटर। ओके, बटर मिल्क बेसिक सिंपल फंडामेंटल है। चीज के लिए भी क्या हो रहा है, लैक्टिक एसिड बैसिला ही रख रहा है, मतलब लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया ही मेन जो भी हमारे डेयरी प्रोडक्ट है उनमें काफी हेल्प करेगा। बेसिकली कौन सा है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, जिसको हम लैब भी बोलते हैं कभी कभार। ओके, दैट इज कॉल्ड द लैब। तो कभी कभार क्वेश्चन आएगा लैब क्या है, दैट इज कॉल्ड द लैब, तो ध्यान में रखना लैब इज क्या, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, दैट इज द फंडामेंटल। डन हो गया, चलो। ओके, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। अभी ये जो फर्मेंटर का, देखो आपको एक बहुत बढ़िया फिगर दिख रहा है यहाँ पे, तो बेसिक डिजाइन ऑफ फर्मेंटर। ओके, कि फर्मेंटर का डिजाइन कैसा कैसा बना हुआ है, तो ये फर्मेंटर का डायग्राम भी ड्रॉ करने के लिए आया है बोर्ड के एग्जाम में। ओके, ये ध्यान में रखो, बोर्ड में आया हुआ है ड्रॉ करने के लिए, तो इसके ऊपर ये भी क्वेश्चन बनता है और इसका वर्किंग भी बन सकते हैं। तो देखो, फर्मेंटर चीज क्या है, और बहुत सारे अल्कोहलिक बेवरेजेस जो है ना, वो हम फर्मेंटर की मदद से ही बनाते हैं बेसिकली, जो भी चीजें हैं। ओके, बड़े बड़े टैंक्स होते हैं, ऐसे स्टील के टैंक्स होते हैं, वेरी लार्ज वेसल्स। ओके, जैसे यहाँ पे देखो लिखा हुआ अभी है, वेरी लार्ज वेसल्स कॉल्ड फर्मेंटर्स। ओके, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, इंडस्ट्री, मतलब इंडस्ट्रीज में क्या होगा, इन फर्मेंटर के मदद से और माइक्रोब्स की मदद से हम वेरियस बेवरेजेस बनेंगे। ओके, तो जिसमें अल्कोहलिक बेवरेजेस भी आते हैं। तो इसके लिए भाई सबसे मेन चीज, इसका देखो सिस्टम कैसे कैसे बना। देखो, ये एक फिगर है यहाँ पे, यहाँ पे क्या होता है, देखो सबसे पहले एयर पासेज होता है, स्टराइल एयर लाइन होता है कि यहाँ पे ऐसे स्टील के टैंक्स होते हैं, ये ध्यान में रखो, देयर आर डिफरेंट मेटल्स के बने होते हैं। सैम्पलिंग पॉइंट होता है जहाँ पे सैंपल डाला जाता है। ओके, देन देयर इज अ बैफल, ये भी एक चीज है जो उसको स्टीयर करने के लिए हेल्प करता है, मतलब फर्मेंट करने के लिए। ओके, यहाँ पे एक शाफ्ट होता है, दिस इज बेसिकली द शाफ्ट इज हियर। ओके, और एक इम्पेलर शाफ्ट, मतलब इसको रोटेट करने के लिए भी ये यहाँ पे एक डिजाइन बना हुआ है। ओके, दिस इज द बेसिक डिजाइन ऑफ फर्मेंटर। ओके, और दिस इज असेप्टिक इनोकुलेटिंग पाइप।
ओके, असेप्टिक मतलब जहां पे कोई असेप्टिक है, तो इस तरह से ये आता है। ये बेसिकली मल्टी ब्लेड फर्मेंटर है। ओके, जहां पे ब्लेड देखो, ये दिस इज ऑल्सो एक अनदर ब्लेड इज हियर, अगर इसको हम करें तो, एंड देट इज अनदर ब्लेड इज ऑल्सो हियर। ओके, सो दे भी चीज है। ओके, टैंक डायमीटर एंड इंप्लीपर डायमीटर, ये ऐसे बहुत सारी चीजें फर्मेंटर के। तो अपने को ध्यान में रखना है कि फर्मेंटर एक ऐसे लार्ज वेसल्स होता है जिसमें बेसिकली फर्मेंटेशन की प्रोसेस होती है, और जिसमें हम विद द हेल्प ऑफ माइक्रोब्स वेरियस प्रोडक्ट्स विल बी फॉर्म। बट अभी इसमें याद क्या रखना है अपने को कि कौन से स्पेसेस यूज होता है अल्कोहलिक बेवरेजेस में। ओके, तो सबसे पहले हम एक ईस्ट को याद रखेंगे, दैट इज कॉल्ड एज द सैचेरोमाइसेस सेरेविसी। ओके, सैचेरोमाइसेस सेरेविसी ये कॉमनली ब्रीवर ईस्ट है। ये भी एक क्वेश्चंस आया हुआ है एग्जाम में। ओके, कि विच इज द ऑर्गेनिज्म फॉर ब्रीवर ईस्ट, तो हमको याद रखना है सैचेरोमाइसेस सेरेविसी, या इसको हम एस सेरेविसी भी बोलते हैं, ध्यान में रखना। ओके, एस सेरेविसी भी बोलते हैं। ओके, तो ये बेसिकली फर्मेंटेशन होता है। इसमें हम क्या करते हैं, सीरियल्स मतलब जो भी बेसिकली सीरियल्स आते हैं मार्केट में, जवार हो गया, मेज हो गया, इनसे मदद से करते हैं, या फ्रूट जूसेस की मदद से करते हैं, ग्रेप्स जैसे फ्रूट जूसेस होते हैं, तो इथेनॉल बनाते हैं। ओके, दैट इज द वेरी सिंपल फंडामेंटल। तो इसका काम यही है कि बेसिकली फर्मेंटेशन प्रोसेस करना, सैम्पलिंग डालना, माइक्रोब्स को ऐड करना, और रोटेट करके इनका फर्मेंटेशन प्रोसेस होना। बाकी सब प्रोसेस जो भी है वो माइक्रोब्स खुद ही कर लेते हैं, बिकॉज दे आर बेसिकली फर्मेंटर्स, उसको फर्मेंट बना के उसमें से प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। ओके, चलो अभी ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट प्रोसेस पे आते हैं, कि ऐसे बहुत बार वन लाइनर क्वेश्चन इसके ऊपर बने हैं। कौन से बने भाई, वन लाइनर क्वेश्चंस, वन लाइनर क्वेश्चंस में क्या क्या आया हुआ है कि भाई कौन सा ऑर्गेनिक एसिड कौन से माइक्रोब्स की मदद से बनाया हुआ है। जैसे देखो यहाँ पे सिट्रस या सिट्रिक एसिड बोलते हैं हम, तो ये बनाया एस्परजिलस नाइगर की मदद से। ओके, या ग्लूकोनिक एसिड जो है वो भी बना है एस्परजिलस नाइगर। तो तुम आपको ध्यान में रखने के लिए बहुत आसान है, एस्परजिलस नाइगर। ओके, और ध्यान में रखना सिट्रिक एसिड एंड ग्लूकोनिक एसिड, सिट्रिक एंड ग्लूकोनिक, इट्स अ वेरी सिंपल वन। तो ये ऑर्गेनिक एसिड आर वेरी सिंपल। फिर एसिटिक एसिड है, ओके, जिसको हम विनेगर बोलते हैं, चाइनीज खाने में बहुत बार यूज भी होता है। ओके, इट्स ट्रांसपेरेंट वाटर फ्लूइड रहता है। ओके, जिसको हम विनेगर बोलते हैं, ये एसिटोबैक्टर एसिटी की मदद से बनता है। ओके, एंड देन देयर इज अ फ्यूमेरिक एसिड जो हम राइजोपस एरिजस की मदद से बनाते हैं। तो इनके नाम आपको थोड़ा सा याद ही रखने, कुछ थोड़ा सा कीवर्ड होगा, जब हम इसका एक डिटेल लेक्चर लेंगे तब इसके शॉर्ट फॉर्म्स भी मैं आपको दे दूंगा, लिंक में आपको मिल जाएंगे, ठीक है, मैं सर को वैसे बोलता हूँ। सो इट्स आर वेरी इजी टू रिमेंबर, मतलब सिट्रिक एसिड एस्परजिलस नाइगर, ग्लूकोनिक एसिड एस्परजिलस नाइगर, फ्यूमेरिक एसिड राइजोपस एरिजस, एसिटिक एसिड एसिटोबैक्टर एसिटी। अब विद द हेल्प ऑफ माइक्रोब सर्टन विटामिन आर ऑल्सो प्रोड्यूस। ओके, जैसे विटामिन B2, इसके दो स्पेसीज हम यूज करते हैं बेसिकली, न्यूरोस्पोरा गॉसिपी एंड इरिमोथेशियम HB। ओके, ये दो स्पेसीज की मदद से हम विटामिन B2 को बनाते हैं। ओके, एंड देर इज अनदर विटामिन कॉल्ड द विटामिन B12, दैट इज सुडोमोनास डीनाइट्रिफिकेंस। ओके, एंड विटामिन सी फिर से एस्परजिलस नाइगर। अभी विटामिन सी को तो काफी बूमिंग था क्योंकि कोविड टाइम की वजह से विटामिन सी लो, ओके, बहुत सारा चल रहा था, तो ये भी हम एस्परजिलस नाइगर की मदद से बनाते हैं। ओके, इसको नाइजर बोलते हैं, नाइगर बोलते हैं, तुम यू कैन कॉल इट, बस अकॉर्डिंग टू स्पेलिंग गलत नहीं होना चाहिए। ओके, या कभी कभी ऑप्शन मिल जाता है, ऑप्शन हमको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या याद रखेंगे, विटामिन B2, न्यूरोस्पोरा गॉसिपी, इरिमोथेशियम HB, और विटामिन B12 जो है सुडोकोनास डीनाइट्रिफिकेंस की मदद से, और विटामिन सी एस्परजिलस नाइगर की मदद से। डन हो गया, चलो नेक्स्ट। फिर से आते हैं एंटीबायोटिक्स के ऊपर। ओके, अभी एंटीबायोटिक्स तो हमको पता ही है बेसिकली, बहुत सारा इंडिया इज कॉल्ड एज द हब ऑफ एंटीबायोटिक। ओके, क्योंकि बहुत सारे एंटीबायोटिक्स हम डेली लेवल पे इंटेक करते रहते हैं बॉडी में, तो दे आर ऑल्सो माइक्रोब्स की मदद से हम, बिकॉज माइक्रोब्स आर चीप एंड फाउंड एवरीवेयर। तो कौन कौन से एंटीबायोटिक हम माइक्रोब्स की मदद से बदल रहे हैं, सो आप लोगों तो एक तो बेसिकली एंटीबायोटिक सबसे पहले वाला पेनिसिलियम तो पता ही है। ओके, दैट इज इसके लिए जो माइक्रोब यूज हुआ है, दैट इज कॉल्ड द पेनिसिलियम क्राइसोजेनम। ओके, इट्स क्वाइट सिंपल टू रिमेम्बर, तो इस तरह से ध्यान में रखना। ओके, क्लोरोमाइसेटिन, ये सभी जो एंटीबायोटिक है ना बच्चों, आपने कभी ना कभी लाइफ में इनका इंटेक किया ही किया है। ओके, सो दे आर वेरी सिंपल वंस, बट सिर्फ माइक्रोब्स का ही थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है बच्चों को कैसा करना है। ओके, तो देखो क्लोरोमाइसेटिन में हम स्ट्रेप्टोमाइसिस वेनेजुएली, और इरिथ्रोमाइसेटिन में भी है स्ट्रेप्टोमाइसिस इरिथ्रस। ओके, तो इसको याद रखना, इरिथ्रोमाइसिन इरिथ्रस है और क्लोरोमाइसेटिन के लिए वेनेजुएली है, ठीक है। पेनिसिलियम तो आ ही गया है, पेनिसिलियम क्राइसोजेनम, स्ट्रेप्टोमाइसिन है स्ट्रेप्टोमाइसिन ग्रेसियस। ओके, उनका ही नाम है। ओके, फल्विन है ग्रेसोफल्विन, पेनिसिलियम
ग्रीसियोफिल्म, ओके, बेसिट्रेसिन है बेसिलस लाइकेनिफॉर्मिस, ओके, और ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन एंड टेट्रामाइसिन है स्ट्रेप्टोमाइसिस ऑरिफिशियंस, ओके। अभी एक इसके लिए बहुत ही शॉर्ट फॉर्म रहता है, वो मैं आपको जल्दी दे दूंगा, ओके। देन देयर इज अनदर एग्जांपल्स प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम, देयर आर सर्टेन एंजाइम्स व्हिच आर आल्सो प्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ माइक्रोब्स, जैसे इन्वर्टेज एंजाइम है, सैचुरोमाइसिस सेरेविस, ये क्वाइट कॉमन माइक्रोब्स है, ओके। देन देयर इज अ पेक्टिनेज, पेक्टिनेज क्या है, स्क्लेरोटिनिया लिबर्टाइन, ओके, या एस्परजिलस नाइगर। लाइपेज हम प्रोड्यूस कर रहे हैं कैंडिडा लाइपोलिटिका से, और सेल्यूलेज जो है ट्राइकोडर्मा कोनिकी। अभी इसमें ऑप्शन कुछ नहीं है, इसको याद रखना पड़ेगा, ओके, क्योंकि वो डायरेक्ट पूछेंगे भाई इन्वर्टेज एंजाइम कौन बना रहा है, तो वी शुड नो सैचुरोमाइसिस सेरेविस बना रहा है। लाइपेज कौन बना रहा है, कैंडिडा लाइपोलिटिका बनाता है, ओके। सेल्यूलोज कौन बना रहा है, तो ट्राइकोडर्मा कोनिकी बना रहा है, ओके, दैट इज द पॉइंट। देन देयर इज अनदर क्वेश्चन गिवन इन दैट इज कॉल्ड जिबरलिन प्रोडक्शन। अभी जिबरलिन क्या है, बेसिकली दो जापानी साइंटिस्ट है हमारे पास, याबुटा एंड सुमिके, जिन्होंने सबसे पहले एक जिबरलिन को राइस सीडलिंग से एसोसिएट किया था, और जिसका फंगस था बेसिकली जिबरेला फुजिकोराई। इसके भी ऊपर क्वेश्चंस बने हुए हैं, बोर्ड एंड सीटी एवरीवेयर, ओके, बोर्ड एंड सीटी, ओके, जिबरेला फुजिकोराई, ये ध्यान में रखना। और हु आर इन्वेंटेड इट, टू जापानी साइंटिस्ट, एबुटा एंड सुमिके, ओके। सो ये जिबरलिन, ये क्या है, ये एक प्लांट ग्रोथ हार्मोन है, याद रखना, प्लांट ग्रोथ हार्मोन, ओके। ये एक चैप्टर में हमको डिटेल में है, लेकिन वो चैप्टर वो रिड्यूस हो गया है, ओके, तो इस बार आपको उसका ज्यादा टेंशन लेने का काम नहीं है, ओके। चलो सबसे मेन और हॉट टॉपिक पे आते हैं, दैट इज कॉल्ड द माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट। मेरे ख्याल से इस बार इस पे क्वेश्चंस बनेगा ही बनेगा, क्योंकि बहुत सारा सिलेबस रिड्यूस हो चुका है और इस पार्ट में से यही है, ओके, तो इस पे क्वेश्चंस बनेगा। अभी सीवेज क्या है, सीवेज हम लोगों को पता है, सीवेज इज व्हाट, डर्टी वाटर, ओके। बेसिकली सिंपल लैंग्वेज में हम अगर बोले तो इट इज नथिंग बट द डर्टी वाटर, ओके, जो भी हम घरों में पानी यूज होता है, जो टॉयलेट्स में पानी यूज होता है, जो फ्लशेस में हम करते हैं पानी, ओके, नहाने के लिए बोलो, कपड़े धोने के लिए बोलो, या फिर इंडस्ट्रीज से, देयर आर न्यूमरस इंडस्ट्रीज जहाँ से गंदा पानी निकल आ रहा है, फिर बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफिसेस है, हॉस्पिटल है, केमिकल इंडस्ट्रीज है, पेंट इंडस्ट्रीज है, वहां से जो भी रॉ मटेरियल पानी यूज हो रहा है जिस कंपनी में या जिस इंडस्ट्रीज में, वो आखिर में सीवेज हो जाता है। अभी सीवेज में बेसिकली होता क्या है, बेसिकली सीवेज में होता है 99 to 95% वाटर होता है, एंड 0.1 to 0.5% होता है इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक मैटर, ओके। और ये मैटर जो होगा वो सस्पेंडेड एंड सोल्युबल फॉर्म में भी रहता है। अभी इसके अंदर डिपेंड रहेगा कि ये सीवेज कहाँ से आ रहा है, मतलब अगर ये पब्लिक टॉयलेट से आ रहा है तो सीवेज में ज्यादा तौर पे ऑर्गेनिक मैटर होने का चांसेस ज्यादा रहेगा, कोई इंडस्ट्रीज से आ रहा है, फार्मास्यूटिकल से आ रहा है, डेयरी से आ रहा है, सो इट इज डिपेंड कि ये मैटर कम ज्यादा हो सकता है, ऑर्गेनिक भी और इनऑर्गेनिक भी मैटर कम ज्यादा हो सकता है। सो दिस इज बेसिकली कॉल्ड एज द कंपोजिशन ऑफ सीवेज। लेकिन कंपोजिशन आप लोगों को पता होना चाहिए किस पे डिपेंड रहेगा, टाइप ऑफ वेस्ट डिस्चार्ज इन टू द वॉटर फ्रॉम डिफरेंट इंडस्ट्रीज। तो इंडस्ट्री हमको पता है, ये टेक्सटाइल है, केमिकल है, फार्मास्यूटिकल है, डेयरी है, कैनिंग है, ब्रूविंग है, सो देर आर ऑल टैनिन इंडस्ट्रीज हो गया, ये सभी सभी। अभी इसमें सबसे मेन चीज कौन कौन से माइक्रोब्स ये बेसिकली हमको मिलेंगे, अभी सभी मिलेंगे भाई, पानी बहुत सारा गंदा है, ओके, तो बैक्टीरिया मिलेंगे, वायरसेस मिलेंगे, पैथोजेनिक हो सकते हैं, नॉन पैथोजेनिक भी हो सकते हैं, फंगाई, प्रोटोजोआ, निमेटोड्स, एल्गी, एवरीथिंग इज फाउंड इन सीवेज, ओके। अभी सीवेज का जो प्रोसेस होगा बेसिकली चार स्टेप्स में होता है। देखो पहला है प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट, प्रिलिमिनरी, दूसरा हो जाएगा प्राइमरी ट्रीटमेंट, तीसरा हो जाएगा सेकेंडरी ट्रीटमेंट, और फोर्थ हो जाएगा टर्शियरी ट्रीटमेंट, ओके। मैंने आप लोगों के लिए बहुत अच्छा फिगर बनाया है इसका, कैसा कैसा होने वाला है। देखो हम शॉर्ट में इसको समझ लेते हैं कि प्रोसेस क्या हो रहा है। तो प्रिलिमिनरी में आएगा स्क्रीनिंग एंड ग्रिड चेंबर, ओके, इसके बाद हमारा ग्रिड चेंबर भी आएगा, ध्यान में रखना ये होता क्या है, ओके। अभी सीवेज वाटर में क्या होगा, प्लेंटी ऑफ सस्पेंडेड एंड फ्लोटिंग मटेरियल होगा, ओके, वो सॉलिड भी हो सकता है, डिजॉल्व सब्सटेंसेस भी हो सकता है, ओके। तो सब्सटेंसेस को हम पहले कैसे निकाल के, जो भी पानी के ऊपर तैर रहे हैं, जो भी चीजें पानी के ऊपर तैर रहे हैं उसको हम सीधा सीधा फिल्टर कर देंगे, मतलब इसके ऊपर हम क्या लगा देंगे, बेसिकली नेट लगा देंगे, ओके। देखो यहाँ पे पास थ्रू द नेट और द स्क्रीन चेंबर्स, ओके, तो नेट या स्क्रीन में से हम उसको रोक देंगे। तो जो भी पानी के ऊपर वाली तैरने वाली चीजें, जैसे प्लास्टिक हो गया या कोई सस्पेंडेड पार्टिकल्स हो गए, वो सभी हम छान लें, मतलब यहाँ पे सीधी बात ध्यान में रखना, छानना, ओके, पानी को हम छान रहे हैं, एकदम सिंपल, छान रहे हैं।
पानी को, जैसे हम चाय को छानते हैं ना, पत्ती को अलग करके चाय को अलग करते हैं, तो सिंपल स्क्रीनिंग मतलब ये ध्यान में रखना, चाय बनाने का टेक्निक लिखना नहीं भैया, भाई लिख दोगे, सर ने बताया था। ओके, तो ध्यान में रखना क्या है भाई, स्क्रीनिंग का मतलब होता है कि पानी को छान रहे, जो भी गंदा पानी है उसमें से हम क्या करेंगे, जो भी फ्लोटिंग डेब्रिज है वो सिंपल सी बात में निकाल रहे। ओके, तो दैट इज कॉल्ड एज द स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग मतलब क्या, छानना, सिंपल सी बात है। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट फंडा क्या आता है, नेक्स्ट फंडा आता है ग्रिट चेंबर। अभी ग्रिट चेंबर में क्या होता है, ग्रिट चेंबर में जो फिल्ट्रेटेड सीवेज है, मतलब जो हमने कहीं नेट लगाया होगा जहां पे, अभी देखो इसका प्रोसेस थोड़ा सा और बता देता हूँ, मतलब अभी सभी जगहों से पानी इकट्ठा हो रहा है अपने पास, इंडस्ट्री से हो रहा है, घरों से हो रहा है, हाउस होल्ड से हो रहा है, ऑफिस से हो रहा है, तो ये कहीं ना कहीं बाहर जाएगा, कहीं ना कहीं इसका कॉमन सोर्स होगा, बेसिकली हम इसको नदी नालों में छोड़ देते हैं, लेकिन दिस इज वेरी मच पॉइजनस फॉर एवरीवन। तो इसको बेसिकली कहीं भी रिवर में या फ्रेश वाटर में छोड़ने से पहले इसको ट्रीटमेंट करना जरूरी रहेगा, वही ट्रीटमेंट अब इसमें सीख रहे हैं। तो पहले हमने क्या किया, नेट से जो भी फ्लोटिंग चीजें हैं उनको छान लिया, अभी सेकंड है हमारा ग्रिट चेंबर। ओके, तो सीरीज ऑफ ग्रिट चेंबर, ऐसे एक दो तीन ऐसे बहुत सारे ग्रिट चेंबर रह सकते हैं, और यहाँ पे क्या होता है, बेसिकली पत्थर रखे होते हैं या ब्रिक्स रखे होते हैं, जो क्या करते हैं, जो उसमें से जो चीजें हैं, ऑर्गेनिक मैटर है, वो उसको स्टिक रह जाएगा। ओके, जैसे पानी अगर गंदा है तो उसको छानते हैं ना, वैसे ही चीजें हैं, जैसे घर में हम फिल्टर लगाते हैं, ओके, तो वहां पे कार्बन का इस्तेमाल करते हैं, एक्टिवेटेड कार्बन का। ओके, तो यहाँ पे भी हम पत्थरों का इस्तेमाल करने वाले हैं। ओके, इनमें से पानी को पास करेंगे, सिंपल सी बात है। ये हो गया प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट, मतलब दो चीजों से तो हमने बहुत सारा छान लिया। अभी आते हैं हम बेसिकली फिजिकल ट्रीटमेंट के ऊपर, दैट इज कॉल्ड एज द प्राइमरी ट्रीटमेंट। अभी प्राइमरी ट्रीटमेंट में क्या करेंगे, यहाँ पे बहुत बड़े सेडिमेंटेशन टैंक होते हैं। अभी सिंपल सी बात है भाई, सेडिमेंटेशन चीज क्या है, देखो अभी जब भी कोई पानी रहेगा, अभी देखो ये समझो बीकर लिया मैंने, एक सिंपल सी बात है। ओके, और इसमें क्या है, कुछ चीजें हैं ऐसे सॉलिड चीजें हैं, ओके, जो नेट से निकल के आ गई है। ओके, मतलब ये जो छाना हमने उससे भी निकल के आ गई, और ग्रिट चेंबर, और दिस इज बेसिकली द वाटर। इसको थोड़ा कलर चेंज करते हैं, आ जाओ। तो थोड़ा समझने में आसानी हो जाएगी। हाँ चलो आ जाओ, तो ये ब्लू वाला हो जाएगा हमारा, सॉरी पानी, ये ब्लू वाला क्या हो जाएगा हमारा, पानी, और इसमें ये सस्पेंडेड पार्टिकल्स है। ओके, मतलब सॉरी ग्रीन ले लिया क्या, ठीक है चलो चला लो। अभी ये हो गया हमारा वाटर, एंड दीज आर द सस्पेंडेड पार्टिकल्स। तो सेडिमेंट करने से क्या हो जाएगा, आफ्टर द सेडिमेंटेशन प्रोसेस, ये जो भी पानी है हमारा, ओके, बेसिकली ये जो भी वाटर रहेगा, फिर से आ जाते हैं अपने कलर के ऊपर। ये बीकर पे आ गए अपन। ओके, ये पानी अपने पास है ही। ओके, बेसिकली पानी है ही। अभी सेडिमेंटेशन में क्या हो जाएगा, व्हाट विल हैपन ड्यूरिंग द सेडिमेंटेशन प्रोसेस, इसमें से ये जो भी सस्पेंडेड या सॉलिड पार्टिकल्स है ना, वैसे सेडिमेंट हो जाएंगे यहाँ पे, मतलब नीचे बैठ जाएंगे। देखो पानी का ये प्रॉपर्टी है, जो भी सॉलिड चीजें हैं ना, अगर हम उसको थोड़ी देर के लिए रख देंगे ना, वैसे शांत रख देंगे ना, इसको हिलाएंगे नहीं तो सेडिमेंट हो जाएंगे। तो दिस इज बेसिकली सेडिमेंटेशन प्रोसेस, मतलब जो पहले घूम रहे थे तो अभी धीरे धीरे ये सेडिमेंट हो जाएंगे। ओके, तो मतलब यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, द सीवेज वाटर इज पम्प्ड इनटू द प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक। ओके, एंड द सेडिमेंटेशन ऑफ सस्पेंडेड सॉलिड और ऑर्गेनिक मैटर्स ऑकर इन दिस टैंक। ओके, तो 50 to 70% जो भी सॉलिड है ना, वो यहाँ पे सेटल डाउन हो गया। देखो यहाँ पे सेटल डाउन हो गया, सिंपल सी बात है, इट्स बिकम सेटल डाउन। ओके, सेटल डाउन हो गया, बचा क्या, अभी बेसिकली 30 to 40% बचा है जो भी चीजें यहाँ पे पानी के अंदर है, जो गंदा वाला पानी है, ये जो भी पानी है हमारे पास। ओके, सिंपल सी चीज है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, जो सेटल वाला मैटर है। ओके, जो दैट इज सेटल वाला मैटर, इस सेटल वाले मैटर को ही हम बोलते हैं बेसिकली स्लज, ये ध्यान में रखना। ओके, मतलब जो भी ऑर्गेनिक मैटर, ओके, पानी में नीचे बैठ चुका है, यहाँ पे जैसे हमने बात किया है इस एरो से, हमने देखा, देखो यहाँ पे सब फ्लोटिंग था, यहाँ पे नीचे सब कुछ बैठ चुके हैं, विच इज सेटल डाउन, इट्स बेसिकली कॉल्ड एज द स्लज। ओके, और इसी को हम बोलेंगे प्राइमरी स्लज। ओके, तो ये ध्यान में रखना सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट इज व्हाट इट्स कॉल्ड, प्राइमरी स्लज। और प्राइमरी स्लज क्या करते हैं हम, मैकेनिकली निकाल देते हैं, मतलब कोई मशीन का इस्तेमाल करेंगे या कोई और चीज का इस्तेमाल करेंगे, और ये सब बेसिकली हम इसको जो भी गंदा वाला चीजें है, जो सॉलिड हो चुका है, नीचे बैठ चुका है, इसको हम निकाल लेंगे। तो प्राइमरी ट्रीटमेंट में हम उतना ही करते हैं, सेडिमेंटेशन हो देते हैं पानी को, सेडिमेंट जैसे पानी हो जाएगा ना, तो जो भी फ्लोटिंग वाला ऑर्गेनिक मैटर है वो नीचे बैठ जाएगा। ओके, और जैसे नीचे बैठ जाएगा तो वी कैन रिमूव इट मैकेनिकली, ये बात हो गया प्राइमरी ट्रीटमेंट का। चलो
सेकेंडरी ट्रीटमेंट पे आते हैं, क्या करने वाला सेकेंडरी ट्रीटमेंट पे। ओके, अभी जो ये सब बचा हुआ हमारा 30% या 40% बेसिकली पानी है, ओके, इसको हम लाएंगे एरिएशन टैंक में। देखो एक फिगर भी इसका बहुत बढ़िया है अपने पास। और इस एरिएशन टैंक में क्या करेंगे हम, एजिटेटेड मैकेनिकली, एजिटेटेड मतलब इस पानी को घुमाएंगे और इसमें एयर को पास किया जाएगा। ओके, और एयर को पास करने की वजह से एरोबिक बैक्टीरिया यहाँ पे बढ़ जाएगा और एक फ्लॉक्स बना लेगा। अभी देखो इसमें आगे बहुत बढ़िया चीज है, इसे फिगर पहले दिखा देता हूँ आपको। देखो फिगर बहुत सही है, बुक से भी काफी बेहतर है। देखो यहाँ पे एक पाइपलाइन से हमारा क्या हुआ, रॉ सीवेज मटेरियल यहाँ पे आ गया। फिर हमने क्या किया है, देखो ये नेट है हमारी, ओके, इस नेट से हमने क्या किया, दिस इज कॉल्ड द स्क्रीनिंग। ओके, स्क्रीनिंग, स्क्रीनिंग में मतलब क्या, छान लिया हमने। देखो ये नेट में जो भी पार्टिकल्स होंगे वो अटक गए यहाँ पे, ठीक है, अटक गए यहाँ पे आ गए। अब ये कम्युनिकेटर क्या है, कम्युनिकेटर क्या कहता है, बेसिकली ग्रिड चेंबर के जैसा काम करता है, सिंपल्स। अभी अगर यहाँ पे ग्रिड चेंबर रहता तो ग्रिड चेंबर कैसा रहता है, ऐसा चेंबर्स रहते हैं, देयर आर न्यूमरस चेंबर्स आर लाइक दिस, जहाँ पे पत्थरों को रखा हुआ रहता है इस तरह से। ओके, पेबल्स या ब्रिक्स को रखा हुआ रहता है और इसको पानी, पानी को इसमें से पास किया जाता है। तो समझो अगर वाटर है, ओके, विफ वाटर इज पासिंग आउट थ्रू इट। ओके, अभी ब्लू लेते हैं यहाँ, चलो आ गया। ओके, वाटर इज पास आउट, यहाँ पे पूरा पानी है। ओके, जस्ट लुक एट दिस, इस वाटर इज एवरीवेयर। ओके, वाटर इज एवरीवेयर, जब इस पानी को इससे पास किया जाएगा तो जो भी गंदी वाली चीजें है ना, ओके, तो इसमें बेसिकली अटक जाएगी सिंपल तरीके से। देखो तो अपन इसको ब्लैक करते हैं अभी, मतलब क्या हो जाएगा, इसको स्टिक हो जाएगा। देखो यहाँ पे कुछ चीजें अटक जाएंगी, यहाँ पे कुछ चीजें अटक जाएंगी, यहाँ पे अटक जाएगा, यहाँ पे अटक जाएगा, इस तरह से ये पानी जो है ना वो इसमें से सॉल्व हो जाएगा। ओके, मतलब इसको अटैच हो जाएगा ऐसे चीजें इसके पे, तो पानी और थोड़ा सा फिल्टर्ड हो जाएगा। तो कम्युनिटर भी वही काम करता है, ठीक है। तो दैट इज ग्रिड चेंबर, देखो यहाँ पे आ गया ग्रिड चेंबर, क्या कर रहा है ये देखो पानी कैसा सस्पेंडेड हो गया, यहाँ पे ग्रिड हो गया, यहाँ पे ये पेबल्स वगैरह रखे हुए हैं। ओके, सिंपल सी बात है। ओके, अभी देखो नेक्स्ट कहाँ गया, प्राइमरी क्लैरिफायर। प्राइमरी क्लैरिफायर मतलब क्या, अभी देखो हमने पानी को क्या हुआ, हमने क्या बोला था, अभी इसको सेडिमेंटेड होने देंगे, मतलब कुछ टाइम तक यहाँ पे सेडिमेंटेशन हो गया। तो सेडिमेंटेशन हो गया तो देखो ये जो भी चीज है, तो देखो कैसा सेडिमेंट हो गया यहाँ पे, सभी का सभी सेडिमेंटेशन हो गया यहाँ पे, वाटर का वाटर सेडिमेंट हो गया। तो इसको हम क्या कर रहे हैं, देखो यहाँ से मैकेनिकली निकाल रहे हैं सेडिमेंटेशन को यहाँ से। ओके, मैकेनिकली निकाल रहे, पाइप से निकाल लिया और इसको फिर बाहर कर दिया। तो बचा वाला जो अपने पास ये वाटर है ऊपर वाला, ओके, उस वाटर को, सिंपल सी बात है, अभी ये जो अपने पास बचा हुआ वाटर है, ये जो भी 30-40% ये पूरा का पूरा सिस्टम, ओके, इसको हमने क्या किया, यहाँ पे पास कर दिया। ओके, प्राइमरी इफ्यूलेंट को, उसको हमने क्या नाम दिया बच्चों, प्राइमरी इफ्यूलेंट। ओके, प्राइमरी इफ्यूलेंट से हमने क्या किया, इसको देखो यहाँ पे ऐसे एरिएशन टैंक बने हैं, बड़े बड़े एरिएशन टैंक। ओके, इट इज गोज थ्रू इट। ओके, यहाँ पे एयर कंप्रेसर है, मतलब क्या करेगा ये, एयर पास करेगा। एयर कंप्रेसर क्या करेगा, एयर पास करेगा। ओके, एयर पास करने से क्या हो जाएगा, इसमें एरोबिक बैक्टीरिया बढ़ जाएंगे, सिंपल सी बात है। ओके, ध्यान में आ गया कैसा कैसा हो रहा है। ओके, एरोबिक बैक्टीरिया पास हो जाएंगे यहाँ पे, देखो बबल्स बन रहे हैं एयर की वजह से, बबल्स आ रहे, देखो बबल्स बन रहे हैं, दे आर कॉल्ड बबल्स, दे आर बेसिकली बबल्स। बबल्स बनने से क्या हो रहा है, एयर को हम पंप कर रहे हैं, देखो एरो घूम रहा है, घूम रहा है, मतलब पानी डिजोल्व हो रहा है। अभी देखो फिर से कि क्या होने वाला है, यहाँ तक तो हमने पढ़ लिया, चलो आ जाओ। एरोबिक बैक्टीरिया ग्रोज विगरसली एंड फॉर्म फ्लॉक्स, फ्लॉक्स बना देंगे वो। ओके, एरोबिक बैक्टीरिया क्या करेंगे, बेसिकली विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन दे विल स्टार्टेड फ्लॉक्स। फ्लॉक्स बनाने के बाद क्या करेंगे, अभी फ्लॉक्स क्या चीज है, देखो यहाँ पे दिया हुआ है कि फ्लॉक्स आर मासेस ऑफ बैक्टीरिया हेल्ड टूगेदर बाय स्लाइम एंड फंगल हाइफे टू फॉर्म अ मेश लाइक मासेस, मतलब एक गोले जैसा आकार बन जाएगा बहुत सारे माइक्रोब्स, ओके, फंगल हाइपी या स्लाइम के साथ में मिलके, मतलब दे आर जस्ट लाइक मासेस, ऐसे बहुत बड़े बड़े गोले बन जाएंगे ऑर्गेनिजम्स के। ओके, दे आर जस्ट लाइक दिस द सिंपल वे। ओके, इसी को हम क्या बोलेंगे, फ्लॉक्स। अभी टर्शरी ट्रीटमेंट में क्या हो जाएगा, ओके, अभी देखो एरोबिक बैक्टीरिया बड़े हैं, हमने क्या बोला है एरोबिक बैक्टीरिया बड़े हैं, एरोबिक बैक्टीरिया को क्या लगेगा, ऑक्सीजन लगेगा। ऑक्सीजन लगेगा तो क्या होगा, वाटर का ऑक्सीजन डिमांड, जिसको हम बोलते हैं बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, दैट इज कॉल्ड द बीओडी। बीओडी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ओके, और जब बीओडी घट जाएगा, क्योंकि इन्होंने सब ऑक्सीजन वाटर में का यूज कर लिया फ्लॉक्स बनाने के लिए, सिंपल सी बात है। ओके, और फ्लॉक्स क्या है, मासेस ऑफ बैक्टीरिया है,
सिंपल सी बात है, जो फंगल आईपी को भी पकड़ के रख रहे हैं, मतलब पैथोजेनिक फंगस को भी पकड़ के रख रहे हैं, ओके सिंपल सी बात है। सो देन द बीओडी इज रिड्यूस, इट पासेस इनटू द सेटलिंग टैंक्स। इसको हम कहाँ छोड़ रहे भाई, सेटलिंग टैंक्स में। और इन जो फ्लॉक्स है, मतलब ये जो गोले हैं, इनको हम सेडिमेंट होने दे रहे हैं, मतलब फिर से इनको क्या करेंगे, सेडिमेंट होने देंगे। देखो इस फिगर में अभी तुमको फिर से दिखेगा, ये देखो यहाँ पे फ्लॉक्स बन गए, मतलब ये गोले गोले बनेंगे, कुछ ना कुछ ऐसे ऐसे गोले बनेंगे, फ्लॉक्स छोटे 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 एनारोबिक एरोबिक बैक्टीरिया से। और यहाँ पे देखो ये बने हुए हैं, यहाँ पे देख रहे क्लियरली, यू कैन सी इट नाउ इन दिस फिगर, इट्स वेरी मच क्लियर एंड दिस क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा। फ्लॉक्स बन गए, फ्लॉक्स का हमने क्या कर दिया, देखो यहाँ पे सेडिमेंट होने दे रहे हैं, सेडिमेंट होने दे रहे हैं, सेडिमेंट होने की वजह से फिर से हम इनको रिमूव कर रहे हैं यहाँ से। देखो यहाँ से रिमूव करके सिंपल फिर से मैकेनिकली रिमूव कर देंगे वाटर से, मतलब वाटर को और क्लीन कर रहे हैं, सिंपल सी बात है। तो ये हो गया हमारा सेकेंडरी ट्रीटमेंट, इट्स वेरी सिंपल फंडामेंटल। देखो कितना बढ़िया डायग्राम है, डायग्राम ये तुम इससे करो, अपने बुक के डायग्राम से या अपने बोर्ड के बुक में जो है डायग्राम है उससे काफी बेहतर समझता नहीं, तो दिस विल गिव यू अ क्लियर कट आइडिया कि कैसा कैसा बनाए। आप लोगों के लिए डायग्राम लिया हुआ है, ओके। अभी देखो फिर से क्या बोला है, टर्शियरी ट्रीटमेंट में हमने क्या किया, सेडिमेंटेशन होने दिया, सेडिमेंटेशन को हमने क्या बोला, एक्टिवेटेड स्लज। ये क्वेश्चन पूछा गया है भाई, ओके ध्यान में रखना, ओके दिस इज बेसिकली क्वेश्चन बना है कि एक्टिवेटेड स्लज कब बनता है, तो कब बन रहा है भाई, टर्शियरी ट्रीटमेंट में, ओके सिंपल सी बात है। और अभी इसमें से क्या करेंगे, फिर से एरिएशन टैंक में पास करेंगे, ओके और लास्ट टैंक में पास करेंगे जहां पे अनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर होगा, ओके और वहां पे अनएरोबिक बैक्टीरिया को ग्रो होने देंगे, ओके और वो जो अनएरोबिक बैक्टीरिया है वो बैक्टीरिया एंड फंगस को स्लज में से खत्म करेंगे, ओके सच है। और ये थोड़ा सा गैसेज भी बनाते हैं, तो तुमने देखा होगा जो लोग बेसिकली सफाई कर्मचारी होते हैं, तो जब वो किसी नाले को क्लीनिंग कर रहे होते हैं तो बेसिकली उनका डेथ भी हो जाता है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ ऑक्सीजन। तो ऐसा क्यों होने वाला है भाई, तो यहाँ पे मिथेन जैसे, हाइड्रोजन जैसे, सल्फाइड जैसे, CO2 जैसे गैसेस प्रोड्यूस हो जाते हैं, क्योंकि वहां पे भी फर्मेंटेशन ही होता है, ओके फर्मेंटेशन होता है तो भाई प्रोसेस बनती रहती है, दैट्स अ सिंपल। बट देखो अपना फिगर देखो, अभी सिंपल सी बात है, यहाँ से पंप किया, फिर से यहाँ से जो बचेगा उसको हम यहाँ पे पास कर रहे हैं, देखो फिर से एरेशन टैंक में डाल रहे हैं, रिटर्न द स्लज पंप, फिर से डालेंगे, फिर से यहाँ पे लाके यहाँ पे फिर से करेंगे। यहाँ पे अभी क्या करेंगे हम, यहाँ पे एयर कंप्रेशन को स्विच ऑफ कर देंगे, यहाँ पे एयर पास नहीं करेंगे, क्योंकि अभी हमको क्या करना है, अनएरोबिक बैक्टीरिया को ग्रो करना है, सिंपल सी बात है, ओके स्लज हो गया। फिर यहाँ पे क्या हम कुछ डिसइंफेक्टेंट डालेंगे, जैसे क्लोरीन विरिन का पाउडर डालते हैं, तुमने देखा होगा क्लोरीन पाउडर डालते हैं, ओके पानी को और क्लीन होने के लिए। और फिर क्या होता है, डिस्चार्ज टू द सरफेस वाटर, फिर इसको हम क्या कर सकते हैं, डिस्चार्ज कर सकते हैं। अभी अभी भी पानी का अगर क्लैरिटी नहीं है तो हम इसको भी टर्शरी ट्रीटमेंट करते हैं, इसके बाद भी सेकेंडरी के बाद टर्शरी जो हमने अभी किया है, ओके इसको पास किया फिर से और फिर से एक्टिवेटेड स्लज में डाल दिया, और फिर इसको डिसइंफेक्टेंट डालेंगे, कुछ केमिकल के इस्तेमाल करेंगे, क्लोरीन पाउडर डालेंगे, और बाद में ये पानी को फिर नॉर्मल फ्रेश वाटर सोर्सेस में रिलीज कर देंगे, और या ये जो वाटर बचा हुआ है ये एग्रीकल्चर के लिए हम काफी तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं, दिस इज नॉट सेफ फॉर ड्रिंकिंग वाटर बट वी कैन यूज इन एग्रीकल्चर, या पानी का लेवल बढ़ाने के लिए भी, या फिर हम इसको कोई भी बेसिकली अगर रिजर्वायर है, रिवर जैसा हो गया या लेक जैसा हो गया, वहां पे इसको हम छोड़ सकते हैं। अभी ये एक्वेटिक लाइफ भी संभालेगा, ओके मतलब जो भी फिशेस वगैरह है ना वो भी मरेंगे नहीं बिकॉज ऑफ द केमिकल जो है यहाँ पे निकल चुका है। देखो एकदम शॉर्ट रिकैप देते हैं अपन क्या बोल करें, सबसे पहले रॉ सीवेज अपने पास है, सभी जगहों का पानी अपन ने गंदा कर लिया, गंदा पानी इकट्ठा कर लिया, उसमें से नेट को पास किया, ओके छान लिया पानी को, पानी को छान लिया, फिर ग्रिट चेंबर मिला। अभी कम्युनिकेटर भी वही करता है, ओके यहाँ पे एक एक्स्ट्रा वाला है जो बुक में दिया हुआ नहीं, लेकिन ये फिगर में बढ़िया दिया हुआ है। पानी को घुमाएंगे, ग्रिट चेंबर में लाएंगे, ओके तो ग्रिट सेटल डाउन हो जाएगा, ग्रिट को निकाल लेंगे, सिंपल सी बात है। यहाँ पे छोटे छोटे टुकड़े होते हैं पत्थरों के वगैरह, जैसे इनको भी गंदगी चिपक जाएंगी, सिंपल सी बात है। फिर इस पानी को हम लाएंगे प्राइमरी ट्रीटमेंट में, तभी यहाँ पे क्या करेंगे, क्लैरिफिकेशन, यहाँ पे पानी को सेडिमेंट होने देंगे बड़े बड़े सेडिमेंटेशन टैंक में, और ये जो स्लज हो जाएगा ये स्लज को हम प्राइमरी स्लज बोलेंगे, उसको हम निकाल लेंगे मैकेनिकली, सिंपल सी बात है। फिर इसको लेके जाएंगे हम एरेशन टैंक में, एरेशन टैंक में एयर कंप्रेशन की मदद से एयर छोड़ेंगे जहाँ पे एरोबिक बैक्टीरिया बढ़ेंगे, एरोबिक बैक्टीरिया फ्लॉक्स बनाएंगे, और जो फ्लॉक्स है फिर हम उसको सेकंड चेम्बर में लेके जाएंगे और इस फ्लॉक्स को सेटल होने देंगे, और ये फ्लॉक्स को हम निकाल लेंगे जिसको हम बोलते हैं एक्टिवेटेड स्लज। अगर हमको सेकेंडरी ट्रीटमेंट या टर्शरी ट्रीटमेंट की जरूरत है, इसको फिर से इस सेडिमेंटेशन टैंक में लेके जाएंगे, लेकिन यहाँ पे एयर को पंप नहीं करेंगे और अनएरोबिक बैक्टीरिया को बढ़ने देंगे, ओके सो फंगल मेश को खत्म कर लेंगे, फिर इस पानी को हम डिसइनफेक्टेंट की मदद से क्लीन कर लेंगे, सो दैट विल बी द पॉइंट, और फिर ये पानी जो है हम बाद में छोड़ देंगे।
आई होप सो तुम इसको, ये टॉपिक को अच्छे से क्लियर हुआ होगा। ओके अभी हमको वन शॉट लेना है, तो थोड़ा सा हमको जल्दबाजी करनी पड़ेगी। चलो नेक्स्ट लेते हैं। अभी माइक्रोब्स इन एनर्जी जनरेशन, एनर्जी जनरेशन सिंपल सी बात है, क्या हम बायोगैस प्लांट की बात कर रहे हैं? जब भी हम एनर्जी जनरेशन की बात करते हैं, दैट इज कॉल्ड द बायोगैस प्लांट। अभी बेसिकली बायोगैस है क्या? CH4 होता है, मीथेन होता है, CO2 होता है, 32% होता है, H2S होता है 0 to 3%, एंड अदर गैसेज जैसे CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रस, N2H2, ये सब थोड़े थोड़े ट्रेसेस में होते हैं, बट मेन क्या है भी अपने पास CH4, अपने को बनाना ही है बिकॉज इट इज अवर बर्निंग गैस। ओके और ये बहुत चीप है, प्रोडक्टिव है, इसके लिए भी काफी बेहतरीन डायग्राम अपने पास है। अभी बेसिकली होने वाला क्या है देख लो, सिंपल सी बात है। इन इनिशियल स्टेज में क्या करते हैं, हम रॉ मटेरियल लेते हैं। रॉ मटेरियल सबसे बेस्ट रहता है कैटल डंग। ओके कैटल डंग में वाटर मिक्स करेंगे, स्लरी बनाएंगे और उसको डाइजेस्टर में छोड़ देंगे। देखो यहाँ पे दिख रहा है अपने को, दिस इज बेसिकली द डाइजेस्टर, ये देखिए पूरा जो पूरा है ये डाइजेस्टर है, और ये जो है हमारा टैंक है। यहाँ पे हम क्या बनेंगे, काउ डंग प्लस वाटर को मिक्स कर देंगे, काउ डंग प्लस वाटर, इसका क्या बनाएंगे हम, स्लरी बना देंगे। सिंपल सी बात है, स्लरी बना के यहाँ से छोड़ देंगे, तो फिर ये स्लरी कहाँ आ जाएंगी, सिंपली फ्लोट हो के हमारे डाइजेस्टर में आ जाएगी। ओके अभी डाइजेस्टर या स्लरी में क्या होगा, अभी काउडंग हमको पता है, काउडंग में क्या है, अनएरोबिक हाइड्रोलाइटिक बैक्टीरिया। कौन से, इनके नाम याद रखना पड़ेगा, क्लोस्ट्रिडियम एंड सुडोमोनास। ओके अब ये क्या करते हैं, ये कार्बोहाइड्रेट को सिंपल शुगर में कन्वर्ट करते हैं, कन्वर्टेड द कार्बोहाइड्रेट्स इनटू द सिंपल शुगर, प्रोटीन एंड अमाइनो एसिड्स, एंड लिपिड को करते हैं फैटी एसिड्स में। सिंपल सी बात है, एकदम सिंपल रिएक्शन है, केमिस्ट्री है ये, आपका समझ में आ जाएगा। अभी देखो आगे फिर से इस फिगर पे आने वाले अपन, थोड़ा सा थ्योरी पार्ट पढ़ लेते हैं। अभी सबसे पहला रिएक्शन क्या होने वाला है, एसिडोजेनेसिस, ये इसको याद रखना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट चीज है, एसिडोजेनेसिस होने वाला है। देखो क्या होगा, जो भी अनएरोबिक बैक्टीरिया है या एसिडोजेनिक बैक्टीरिया है, वो क्या करता है, सिंपल कन्वर्ट करते हैं सिंपल ऑर्गेनिक मैटर को इंटू एसिड्स, फॉर्मिक एसिड या एसिडिक एसिड में। देखो यहाँ पे फॉर्मिक एसिड या एसिडिक एसिड बना देते हैं, ठीक है, और बाद में प्रोसेस शुरू होती है मिथेनोजेनेसिस की। मतलब क्या है, दिस इज द लास्ट स्टेज इन विच अनएरोबिक मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया, लाइक इनका नाम मिथेनोबैक्टेरियम, मिथेनोकोकस, ओके, कन्वर्ट एसिटेट H2NCO2 इनटू मिथेन। देखो अभी यहाँ पे क्या है, ये है एसिटिक एसिड है अपना, एसिटिक एसिड को सबसे पहले ये मॉलिक्यूल्स है, 12 मोल, मतलब 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ CH3COH, 12 मॉलिक्यूल ऑफ CH4 एंड 12 मॉलिक्यूल ऑफ CO2, ये बना लिए इन लोगों ने। फिर ये फॉर्मिक एसिड जो है, फॉर्मिक एसिड को फिर से कन्वर्ट करेंगे CH4CO2 एंड ट्वाइस H2O, और ये जो CO2 एंड ट्वाइस H2O, ये फिर से मीथेन एंड CH2 में कन्वर्ट होगा। देखो यही पे हमने बात किया है, एसिडोजेनेसिस में क्या हुआ, अनएरोबिक बैक्टीरिया ने क्या किया, ऑर्गेनिक मटेरियल को एसिड्स में कन्वर्ट कर दिया, फॉर्मिक एसिड एसिडिक एसिड में, ठीक है। फिर मिथेनोजेनेसिस ने क्या किया, मिथेनोबैक्टीरियम जो थे बेसिकली मिथेलोकोकस जो थे, उन्होंने क्या किया, एसिटेट को कन्वर्ट कर दिया इंटू H2NCO2 विद द मिथेन। देखो पहला रिएक्शन एसिडिक एसिड इंटू द मिथेन, फिर फॉर्मिक एसिड विल बी कन्वर्टेड इंटू द मिथेन विद द बाय प्रोडक्ट ऑफ CO2NH2, फिर CO2NH2 फिर से मिथेन में कन्वर्ट हो गया। तो हर जगह हमको क्या मिल रहा है भाई, मिथेन मिल रहा है, गेटिंग मिथेन एवरीवेयर, एंड दिस इज अवर गैस। अभी होने वाला कैसा है, देखो फिगर है, हमने काउडंग लिया, वाटर लिया, काउडंग का स्लरी बनाया, डाइजेस्टर में डाल दिया। ये डाइजेस्टर क्या होता है, बेसिकली स्टील टैंक्स होता है, ओके दे आर बेसिकली स्टील टैंक। ओके इसमें स्लरी आ गई, अभी देखो स्लरी आ गई, स्लरी आ गई, इसमें बहुत सारे बैक्टीरिया हैं। ओके ये बैक्टीरिया अपना काम कर देंगे, बैक्टीरिया काम कर देंगे, मीथेन को प्रोड्यूस कर देंगे, ठीक है। अभी ये आउटलेट किस लिए दिया होता है, ओवरफ्लो टैंक, मतलब इसमें जो भी मटेरियल या स्लरी हो जाएगा, अब जो गैस हो जाएगा, ये गैस इन कलेक्शन है, इस गैस को हम डायरेक्टली एज अ क्या बोलेंगे हम, बर्निंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, या मतलब किचन में भी यूज करते हैं, इसको किचन गैस भी बोल सकते हैं। ओके लेकिन इसका जो फ्लेम होता है ना, ये ब्लू फ्लेम होता है, ये सभी माइक्रोब्स कर लेते हैं, कुछ करना नहीं अपने को, इट्स वेरी सिंपल, चीप, इजिली अवेलेबल एंड वेरी गुड सोर्स, इसके बहुत सारे यूजेस है। एक बार प्लांट कर दो, इसका लाइफ है लगभग 20 से 25 साल, कुछ नहीं होता है प्रॉपर मेंटेन करते तो। करना है क्या, बस काउडंग लेना है, स्लरी बना के डाल देना है, बाकी काउडंग में वो सब बैक्टीरिया प्रेजेंट ही है, एसिडोजेनिक बैक्टीरिया है, मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया है, जो फर्मेंटेशन की प्रोसेस से, परस्पर से याद है ना भाई, फर्मेंटेशन ही मेन चीज है। ओके चलो फर्मेंटेशन की प्रोसेस से क्या करेंगे,
बायोगैस बनाएंगे, ठीक है। अभी बायोगैस बनाएंगे और ये बायोगैस को हम कलेक्ट कर लेंगे और फिर इसको किचन में यूज करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए यूज कर सकते हैं, और जो भी वेस्ट मटेरियल होगा ये इस रिमूवेबल ओवर टाइम फ्लो में कन्वर्ट कर लेंगे। यहाँ पे स्लरी आ जाएगा जो भी बचेगा, गैस छोड़ के जो बचेगा, और इसको ये भी हम एज अ फर्टिलाइजर करके इस्तेमाल यूज कर सकते हैं। ध्यान में रखो, फर्टिलाइजर इट्स अ वेरी गुड सोर्स ऑफ फर्टिलाइजर, खेतों में बिजनेस डाल सकते हैं हम लोग। ओके, दिस इज वेरी यूजफुल, चीप, इजिली अवेलेबल, एक बार प्लांट करो 20 से 25 साल चलेगा। लेकिन ये ध्यान में रखना, ये जो स्टील टैंक है ना, ये हमको सॉइल के अंदर डालना पड़ता है। ओके, मतलब थोड़ा गड्ढा बना के इसको डाल देना पड़ता है। ओके, तो इट विल बी इजिली। ओके, इट्स वेरी सिंपल और ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, एग्जाम के हिसाब से होप क्या रहा है। एनारोबिक बैक्टीरिया के नाम याद रखना है, क्लॉस्ट्रिडियम सुडोमोनास। ओके, कार्बोहाइड्रेट को सिंपल शुगर, प्रोटीन को अमाइनो एसिड में, एंड लिपिड को फैटी एसिड में कन्वर्ट कर रहे हैं। ये दो तीन चीजें काफी इंपॉर्टेंट है। गैस कौन सा मेन है? CH4, ठीक है। CO2 इज बाय प्रोडक्ट ऑल्सो H2S, हाइड्रोजन सल्फेट ऑल्सो CO(N2H2) ट्रेसेस से मिलते हैं। चलो हो गया। अभी रोल ऑफ माइक्रोब्स, ओके, कि कौन से माइक्रोब्स है, कौन कौन से माइक्रोब्स की मदद से हमने क्या क्या बनाया हुआ है, दैट इज द बेसिक पॉइंट। ओके, तो देखो पैथोजन और होस्ट, अभी कौन कौन से डिजीजेस, ये हम बेसिकली पढ़ने वाले हैं कि कौन से डिजीजेस प्लांट्स के ऊपर से हम रोक सकते हैं विद द हेल्प ऑफ माइक्रोब्स। ओके, मतलब ये बेसिकली डिजीज रेजिस्टेंस है। तो अभी जो को यहाँ पे बैक्टीरिया दिया है हमारे पास, बेसिकली बैसिलस थेरुनजियासिस, जिसको हम बीटी कॉटन, ये कॉटन में काफी हद तक काम करता है, मतलब काफी चल रहा है। ओके, उसका होस्ट कौन है? बेसिकली कैटरपिलार। ओके, ये कैटरपिलार ये इसका होस्ट है। ओके, देन देयर इज अ बैसिलस पेपिली एंड लेंटिमोरबस, ये क्या है? कैबेज वर्म के लिए है और एडल्ट बीटल के लिए है, उनके ये होस्ट दिया हुआ है, ये ध्यान में रखना ही पड़ेगा अपने को। ओके, ब्यूवेरिया ब्रासियाना, अल्फिड क्रोकाई, एंटमोथोरा अंगुइकुलाटा, ओके, पेलिडोर्सियम मिलीबग्स, माइट्स, व्हाइट फ्लाइज, ओके, एंड जुपथेरा रेटिकन्स। ये मिलीबग्स मतलब छोटे छोटे, क्या बोलेंगे हम इसको, बग्स होते हैं छोटे छोटे, माइट्स होते हैं, व्हाइट फ्लाइज होती है, उड़ती रहती है। ओके, फिर प्रोटोजोआ की बात करते हैं, नोसेमा लैकुस्टे, ये बेसिकली ग्रॉस हॉपर, कैटरपिलर एंड क्रिकेट्स, ये इनका होस्ट है। ओके, और वायरसेस में NMV, न्यूक्लियोपॉली हेड्रोवायरस एंड ग्रेनुलोवायरस। ओके, इनका भी होस्ट कौन है? कैटरपिलर, जिप्सी मॉथ, एंट्स, वेब्स एंड बीटल्स। ओके, अभी इसको याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट है, अभी हर्बिसाइड है, माइक्रोबियल हर्बिसाइड एंड देयर होस्ट, कौन कौन से हर्बिसाइड और कौन कौन से माइक्रोबियल होस्ट है। ओके, अभी यहाँ पे फंगाई भी है, देखो आराम से, यहाँ पे पैथोजेनिक फंगाई एज अ माइको हर्बिसाइड्स। ओके, तो फाइटोथोरा पल्मियोरा, ये क्या करता है? मिल्कवीड, मिल्कवीड मतलब ये छोटे छोटे पत्ते सफेद हो जाते हैं ना प्लांट्स के, वो उसको बोलते हैं मिल्कवीड। ओके, एंटरनेरिया क्रासा कंट्रोल्स वाटर हाइसिंथ। ओके, ये क्या करेगा? वाटर हाइसिंथ मतलब पानी में क्या होता है, वाटर हाइसिंथ ही बढ़ रहा है, दूसरा कोई एक्वेटिक प्लांट बढ़ेगा ही नहीं, तो उसको कंट्रोल करने के लिए। और फ्यूजेरियम स्पेसिस क्या करता है? मोस्ट ऑफ द वीड। ओके, वीड मतलब क्या, जो हम क्या बोलते हैं उसको, जो हम अगर खेती कर रहे हैं तो अनवांटेड प्लांट्स का ग्रो हो जाना। ओके, दैट द वीड्स आर कॉल्ड द ग्रोथ ऑफ अनवांटेड प्लांट्स, जो प्लांट का न्यूट्रिशन ले लेते हैं। सो दैट्स द फंडामेंटल। ओके, तो बैक्टीरियल पैथोजन एज हर्बिसाइड, हर्बिसाइड के लिए हम कौन से बैक्टीरियल पैथोजन यूज कर सकते हैं? सुडोमोना स्पेसिस है बेसिकली वीड्स के लिए, जैंथोमोना स्पेसिस है वीड्स के लिए, एग्रोबैक्टेरियम स्पेसिस है वीड्स के लिए। ओके, ये ध्यान में रखना, सुडोमोना, जैंथोमोना, एग्रोबैक्टेरियम। ओके, इट्स फिर इंसेक्ट एज हर्बिसाइड्स। ओके, टायरिया मॉथ, ये इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है नीट में। ओके, MCQ आया हुआ भाई। ओके, टायरिया मॉथ क्या है? कंट्रोल द वीड, सेनेसियो जैकोबिसी, इंपॉर्टेंट है। ओके, कैक्टोप्लास्टिक कैक्टोरम कंट्रोल कैक्टिविड्स। अभी सर बोलो, बच्चे बोलेंगे सर इनके नाम कैसे याद रखे? भाई नाम आप दो तीन बार लिख के देखो, इनका चार्ट बनाओ, जहां पे आपका मोस्ट ऑफ द टाइम लाइफ का जा रहा है, जहां पे आप ज्यादा पढ़ाई कर रहे हो वहां पे, और आते जाते इनको कंट्रोली कंटिन्यूअसली पढ़ते रहो, तब जाके आपके दिमाग में बैठेंगे। ओके, और आराम से याद हो जाते हैं कंटिन्यूअसली रीडिंग की वजह से। ओके, चलो नेक्स्ट क्या है? रोल ऑफ माइक्रोब्स एज अ बायो फर्टिलाइजर। ओके भाई, कौन कौन से, अभी बायो फर्टिलाइजर क्या है भाई? फर्टिलाइजर के जैसा ही काम करेंगे बट ऑर्गेनिक तरीके से, जिसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स भी बोलते हैं। ओके, काफी अच्छा डिमांड चल रहा है। ओके, अभी फर्टिलाइजर्स क्या है? नेसेसरी फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, प्रोडक्टिविटी के लिए चल रहा है। ऑर्गेनिक भी इनऑर्गेनिक होता है, जो केमिकल हो गए, केमिकल में क्या आएगा? यूरिया, DAP, ये सब चीजें आएगी, हमको पता ही है।
ओके, और ऑर्गेनिक मतलब बायोलॉजिकल, मतलब विद द हेल्प ऑफ माइक्रोब्स। ओके, इनएरोबिक इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर में क्या आ रहा है, देखो सॉल्ट ऑफ एनपीके, मतलब नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटेशियम, ओके, डेफिनेट प्रोपोर्शन में होता है, इसको हम खेतों में जोड़ सकते हैं, लेकिन इसकी वजह से अगर कॉन्स्टेंटली इसको यूज करते रहे तो पोल्यूशन ऑफ सॉइल हो जाएगा, इनफर्टाइल सॉइल हो जाएगा, ये भी बढ़ता है, इनफर्टिलिटी भी बढ़ता है। ओके, क्योंकि सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन बढ़ते रहता है कंटिन्यूअसली, इंक्रीज सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन इन सॉइल बिकॉज ऑफ एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर। ओके, ये होता है, तो इनको ना यूज करते हुए हाउ वी कैन यूज ऑर्गेनिक, या जिसको हम बायो फर्टिलाइजर्स बोलते हैं। ओके, तो बायो फर्टिलाइजर्स क्या है, केमिकल प्रिपरेशन रेडी टू यूज लाइव बैक्टीरियल और फंगल फॉर्मुलेशन। ओके, मतलब ऐसे कुछ बैक्टीरिया को यूज करेंगे जो हमारे लिए एज अ फर्टिलाइजर करके काम करेंगे, सिंपल सी बात है। तो भाई ऐसे कौन से हैं, ओके, अभी इनका एप्लीकेशन क्या है, टू प्लांट सॉइल और कंपोस्टिंग पिट्स। कंपोस्ट हम बनाते हैं, कंपोस्ट के बारे में हमको काफी आ जाए, जो क्या करते हैं सॉइल फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं और उनका बायोलॉजिकल एक्टिविटी, जैसे हम बहुत सारी चीजें यूज करते हैं, देखो हम कभी कभार फिश फर्टिलाइजर यूज करते हैं, ओके, और फिर कभी कभार जो चिकन का वेस्ट होता है, मतलब अगर पोल्ट्री फार्म वेस्ट, उनका भी फर्टिलाइजर के तौर पर यूज करते हैं, पोल्ट्री फार्म वेस्ट। फिर हम क्या होता है, काउडंग का इस्तेमाल करते हैं, ये तो काफी फेमस है, बहुत बच्चे बच्चों को पता है काउडंग इज अ गुड फर्टिलाइजर, ये हमको पता है। ओके, तो ये सब चीजों का इस्तेमाल हम ऑर्गेनिक के तौर पे करते हैं। इसी के साथ साथ देर आर सर्टन माइक्रोब्स विच हेल्प टू मिनिमाइज अवर केमिकल इंटेक, तो ये कौन कौन से है, चलो उनके बारे में पढ़ना है अभी, चलो आ जाओ। सबसे पहले बात करते हैं नाइट्रोजन फिक्सिंग बायो फर्टिलाइजर्स। ओके, अभी हम लोगों को पता है कि जो भी नाइट्रोजन नाइट्रोजन एयर में अवेलेबल है एबंडेंट अमाउंट में, अभी ये नाइट्रोजन फिर प्लांट खुद क्यों नहीं लेते, वो ले नहीं सकते, सिंपल सी बात है, इसी वजह से तो हमको यूरिया देना पड़ रहा है। यूरिया क्या चीज है भाई, यूरिया इज नथिंग बट द सोर्स ऑफ नाइट्रोजन, ध्यान में रखा। ओके, लोग क्या करते हैं, अगर प्लांट के पत्ते पीले गिरने लग गए, दो गोनी यूरिया फेंक देते हैं, सिंपल सी बात है, लेकिन उनका पैसा जाता है, बहुत सारा वेस्ट होता है, व्हाई नॉट यूज बायो फर्टिलाइजर, दे आर चीप, सिंपल सी बात है। ओके, सो व्हाट दे आर डूइंग नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये क्या करने वाला है, ये कन्वर्ट करते हैं एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन को इनटू नाइट्रोजीनियस कंपाउंड लाइक नाइट्रेट एंड नाइट्राइट्स, सिंपल सी बात है, मतलब नाइट्रोजन में, मतलब एटमोस्फेयर में जो भी एबंडेंट अमाउंट में नाइट्रोजन प्रेजेंट है, ये प्लांट के लिए इजिली अवेलेबल करके देंगे। ओके, अब इसके भी दो तरीके हैं, कौन से दो तरीके है? देखो सबसे पहली बात है सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और दूसरा होता है नॉन सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिसको हम फ्री लिविंग बोलते हैं। अभी सिम्बायोटिक में कौन कौन सा आ रहा है, सिम्बायोटिक, सिम्बायोटिक का मतलब ही है कॉम्बिनेशन के साथ रहना, दे आर लिविंग विद समवेयर। ओके, सो जस्ट लाइक राइजोबियम एनाबेना फ्रेंकिया। ओके, मतलब ये किससे एसोसिएटेड है, देखो यहाँ पे जनरली विद द अंडरग्राउंड पार्ट्स दैट इज रूट्स ऑफ द हैपलांट, देखो यहाँ पे दिख रहे हैं, दे आर फॉर्मिंग द रूट नूडल्स, ये देखो ये रूट नूडल्स बन रहे हैं, मतलब इनका क्या है, दिस इज सिम्बायोटिक, दे आर बेसिकली रूट नूडल्स, ये रूट नूडल्स में क्या है भाई, माइक्रोब्स है, ये माइक्रोब्स क्या कर रहे हैं, एटमोस्फेयर नाइट्रोजन को कन्वर्ट करके प्लांट को अवेलेबल करके दे रहे हैं इन अ सिंपल वे, तो उनके पास ऑलरेडी नाइट्रोजन आ रहा है। अभी कुछ नॉन सिम्बायोटिक भी होते हैं जो नाइट्रोजन को फिक्स करने वाले, तो नॉन सिम्बायोटिक कौन कौन सा है, एजेटोबैक्टर आ गया, नॉस्टॉक हो गया, क्लॉस्ट्रिडियम आ गया, ओके, क्लेब्सिएला आ गया, इनके एग्जाम्पल हो गए। मतलब हम फर्टिलाइजर भी माइक्रोब से ही ले रहे हैं, अब तक सिर्फ हम खाने पीने की चीजें ले रहे थे, या उनका सीवेज क्लीन करने के लिए इस्तेमाल कर रहे थे, या गैस बनाने के लिए कर रहे थे, अब हम फर्टिलाइजर के सोर्स पे भी करेंगे, और काफी अच्छे से ये चल भी रहा है। ठीक है, तो अभी कुछ नाम है हमारे पास, फॉस्फेट सोलबलाइजिंग बायो फर्टिलाइजर्स, तो बस इनमें भी वही नाम है, यहाँ पे क्या करेंगे, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो है, इनसोल्यूबल इनऑर्गेनिक फॉस्फेट सच एज अ रॉक फॉस्फेट, तो इसमें से फॉस्फेट निकालेंगे और प्लांट को अवेलेबल करके दे देंगे, तो प्लांट को फिर फॉस्फोरस डालने की जरूरत या फॉस्फेट डालने की जरूरत है क्या, नहीं पड़ेगी, ये माइक्रोब्स को डाल दो, ये खुद ही जहां पे सोर्स है इनसोल्यूबल उसको सोल्यूबलाइज कर देंगे, सिंपल सी बात है, विच सोल्यूबलाइज द इनसोल्यूबल ऑर्गेनिक फॉस्फेट, मतलब पत्थर से निकालेंगे, फिर सॉइल में डाल देंगे, बात खत्म हो गई। तो कौन कौन से माइक्रोब्स ऐसा कर रहा है, दैट इज कॉल्ड द सुडोमोनास स्ट्राइटा, बैसिलस पॉलीमैक्सा, एग्रोबैक्टीरिया, माइक्रोकोकस, एस्परजिलस स्पीसीज, ये क्या है, फॉस्फेट सोल्युबलाइजिंग बायोफिल्टर, ये इनसोल्युबल इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को सोल्युबल कर देते हैं, दैट्स अ वेरी सिंपल वन। ओके, अभी कंपोस्ट, भाई बचपन से पढ़ते आ रहे कंपोस्ट बनाना, पहले मिट्टी डालो, कचरा डालो, पत्ते वित्ते काउडन थोड़ा सा डालो, फिर से मिट्टी का एक लेयर, फिर
फिर से वही जो भी कचरा आ रहा है खेती से आ रहा है उनको डालो, काउ डंग डालो थोड़ा सा, और फिर डालो, कहीं कहीं पे गुड़ का इस्तेमाल होता है, कहीं पे थोड़ा सा दूध का इस्तेमाल होता है कंपोस्ट प्रोसेस को फास्ट करने के लिए। सो दैट इज सिंपल सी बात है। तो कंपोस्ट क्या चीज है, ये काफी बहुत बार 2 लाइन के लिए इसके ऊपर क्वेश्चन आया बोर्ड के एग्जाम में, तो इट इज इंपॉर्टेंट वन। इज अ नेचुरल प्रोसेस दैट टर्न्स ऑर्गेनिक मटेरियल को इनटू डार्क रिच सब्सटेंस। ये भी डार्क रिच सब्सटेंस क्या है, कंपोस्ट और ह्यूमस, मतलब काली काली मिट्टी बन जाती है बहुत ही डार्कर। क्यों? क्योंकि उसमें ऑर्गेनिक मैटर कन्वर्ट होता है, सिंपल सी बात है। और ये कौन कर रहा है भाई, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कर रहा है ऑर्गेनिक मैटर को कंपोस्ट में बदल के, सिंपल सी बात है। मतलब जब भी कोई वेस्ट प्रोडक्ट नेचर में रहेगा तो कुछ टाइम के बाद वो वेस्ट मैटर जो है वो सॉइल में कन्वर्ट हो जाता है, हमको पता है। ये कैसे कौन कर रहा है, माइक्रोब्स करता है, ये सिंपल सी बात है, माइक्रोब्स कर रहा है खुद ही, कोई टेंशन नहीं उसको, इजीली अवेलेबल है। ठीक है चलो बात ही बात करते हैं, साइनोबैक्टीरिया एज बायो फर्टिलाइजर। अभी साइनोबैक्टीरिया क्या चीज है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आया है 2 साल पहले। ओके तो साइनोबैक्टीरिया आर एक्वेटिक टेरेस्टियल फ्री लिविंग और सिम्बायोटिक एरोबिक फोटोसिंथेटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग हेटरोसिटियस एंड नॉन हेटरोसस फॉर्म्स। ओके एग्जाम्पल क्या आ रहा है, एना बेना नॉस्टॉक प्लेटोनेमा ऑस्किलेटोरियस इटीसी। ओके एना बेना नॉस्टॉक टॉलीपोथ्रिक्स आर एसोसिएटेड विद द लाइकेन। ओके अल्गी लाइकेन आपको पता है, व्हाइल एनाबिनास एसोसिएटेड विद द प्लांट लाइक एजोला एंड साइकस। ये इनका एसोसिएशन दिया हुआ है कौन से प्लांट के साथ कौन कौन रह रहा है। ओके तो इसको आपको आराम से ध्यान में रखना पड़ेगा भाई, एक हद बार क्वेश्चन आ सकता है। ओके फिर आते हैं हम फंगल बायो फर्टिलाइजर। हाँ फंगल वाला इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, एक्टो एंडो बहुत बार पूछा है। ओके अभी माइकोराइजा इज अ क्या है, फंगस है, फंगस है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन करता है विद द अंडरग्राउंड पार्ट्स लाइक राइजोम। ओके एंड रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स। ओके और जो बेसिकली ह्यूमिड फॉरेस्ट, मतलब क्या है, जहां पे ह्यूमिड एटमोसफेयर है वहां पे रहता है। इसके दो फॉर्म है, एक्टो एंड एंडो। अभी एक्टो वाला क्या है, अभी यहां पे देखो ये माइसिलियम शीट है, ये बुक के फिगर से कुछ नहीं समझेगा, ये फिगर से आपको पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा कि भाई एक्टो वाला चीज क्या है और एंडो वाला चीज क्या है। अभी एक्टो में पढ़ लो कि पहले सबसे पहले क्या बोला गया, एक्टो क्या बोला है, दे हैव वेल डेवलप्ड माइसिलियम दैट फॉर्म्स मेंटले ऑन आउटसाइड ऑफ द रूट। मतलब दिस इज बेसिकली मेंटले, ये क्या कर रहा है, जो रूट है अभी देखो, ये हमारा रूट का पूरा सरफेस है, इसके आउटर सरफेस पे व्हाट इज डूइंग, ही फॉर्मिंग अ मेंटले। ओके ये बना रहा है ऐसा मेंटले, तो ग्रीन कलर के ब्लू कलर के दिख रहे तुमको, देखो दिस आर कॉल्ड अ मेंटले। अभी माइसेलियम है, ये क्या बना रहा है, रूट एब्जॉर्प्शन सरफेस एरिया बढ़ा रहा है। ओके सिंपल सी बात है। ओके कहीं कहीं पे क्या होता है, ये प्लांट के सेल के अंदर, देखो दिस इज बेसिकली, कलर चेंज करते हैं अपन, चलो आ जाओ जस्ट गिव मी मिनट। अपन बेसिकली येल्लो लेते हैं, होप सो तुमको नहीं, ग्रीन लेते चलो दिख जाएगा। ओके चलो आ जाओ, अभी यहाँ पे देखो ये सेल्स है, प्लांट के सेल्स है, ये सेल्स है, दिस आर ऑल सेल्स। ओके ये भी सेल्स है, ये सेल्स के अंदर जाके इट इज फॉर्मिंग सम हाइपी, हाइपी मतलब इनका स्ट्रक्चर होता है। ओके सम हाइपी ऑफ द माइकोराइजल फंगस पेनेट्रेट इन टू द रूट एंड फॉर्म हार्टिंग नेट इन द इंटरसेलुलर स्पेसिस ऑफ रूट कॉर्टेक्स। इंटरसेलुलर स्पेसिस मतलब दो सेल के बीच की जगह, ये एक सेल है ये एक सेल है। ओके तो ये हो गया इंटरसेलुलर स्पेस, सिंपल सी बात है। तो इस इंटरसेलुलर स्पेस में देखो ये घुस गए हैं। ओके ये घुस गए हैं। ओके यहाँ पे घुस के इन्होंने क्या किया, नेट जैसा स्ट्रक्चर बना रहे हैं, देखो ये दे आर फॉर्मिंग अ नेट लाइक स्ट्रक्चर, इसी को हम बोलते हैं हार्टिंग नेट। तो ये फिगर को आप ध्यान में रखो आराम से कि हाउ इट इज कॉल्ड, तो दिस इज बेसिकली एक्टोमाइकोराइजा। मतलब बाहर तो रूट का एब्जॉर्प्शन सरफेस बढ़ाने के लिए बाहर तो कर ही रहे हैं। ओके व्हाट इज दे आर फॉर्मिंग, दे आर फॉर्मिंग मेंटले ऑन द आउटर सरफेस ऑफ रूट फॉर द इंक्रीजिंग द एब्जॉर्प्शन एरिया ऑफ रूट, बट अंदर भी घुस जाएंगे और इंटरसेलुलर स्पेस में हार्टिंग नेट बनाएंगे, इट इज कॉल्ड द हार्टिंग नेट। ओके जिसकी वजह से क्या होगा, ये जो भी है फटाफट न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करने लग जाएगा। ओके अभी देखो नेक्स्ट पॉइंट, ये भी फिगर बता दो, काफी बढ़िया फिगर है ये, एंडोमाइकोराइजा। अब एंडोमाइकोराइजा क्या है, एंडो मतलब अंदर चला जाएगा। ओके दे ग्रो इन बिटवीन एंड विद इन द कॉर्टिकल सेल्स ऑफ रूट, मतलब रूट के अंदर के सेल में बढ़ेगा। अभी यहाँ पे क्या बोला है, फंगल हाइपी पेनेट्रेट द सेल्स एंड फॉर्म्स फाइनली ब्रांच अर्बस्कल्स इंट्रासेल्युलरली एंड फॉर्म वेसिकल मोस्टली इन द इंटर सेलुलर स्पेसेस ऑफ कॉर्टिकल सेल्स, हेंस दे आर कॉल्ड एज द वेसिक्यूलो अर्बस्कुलर माइकोराइजा और वैम। और ये इंपॉर्टेंट है,
काफी इंपॉर्टेंट है ये, क्या बोला इन्होंने, ओके या इनको एएम फंगी भी बोलते। देखो अभी फिगर पे आते हैं, अभी क्या हो गया, दिस इज कॉल्ड द अर्बस्कुलर माइकोराइजा, ओके दिस इज बेसिकली मार्कर, ये रूट के सेल के अंदर चला गया, ओके और इसने ऐसे स्टार लाइक सेल के अंदर ही आर्बस्क्यूल्स बनाना चालू कर दिया फॉर इंक्रीजिंग द एब्जॉर्प्शन। ये देखो बनाना चालू कर दिया इसने खुद ही, मतलब ये सेल के अंदर चले गया। अब तक क्या चालू था, देखो सिंपल सी बात है, अब तक ये सिर्फ सेल के इंट्रा सेलुलर स्पेस में चल रहे थे, ये देखो इंट्रा सेलुलर स्पेस जहां जहां पे वहां पे काम कर रहे थे और एक हार्डिंग नेट बना रहे थे। लेकिन इन्होंने क्या किया, व्हाट दे विल फॉर्म, दे आर पेनेट्रेट द सेल इंट्रा सेलुलरली और दे आर स्टार्टिंग द फॉर्मिंग लाइक स्ट्रक्चर, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड द आर्बिस्क्यूल्स, ओके आर्बिस्क्यूल्स बोलते हैं इसको, मतलब बाहर भी है, देखो दिस इज इसका स्पोर बाहर है बट इट स्टार्टेड पेनेट्रेटिंग इनसाइड द सेल, रूट के अंदर के सेल पे जाके फॉर्म बना दिया, ओके सो दिस इज कॉल्ड एज द आर्बस्कुलर माइकोराइजा, या इसी को हम बोलते हैं वैम, ओके दिस इज बेसिकली कॉल्ड एज द वैम, ओके वैम का प्रोनाउंसिएशन आपको ध्यान में रखना है, वेसिकुलो आर्बिस्कुलर माइकोराइजा, ओके स्ट्रक्चर आपको फिगर से काफी हद तक क्लियर हो रहा होगा, ओके और इसको हम क्या बोलते हैं, वैम बोलते हैं, सो इट इज वेरी मच गेट क्लियर, ये वैम आपको याद रखना है, वैम का फुल फॉर्म याद रखना है, वेसिकुलर आर्बिस्कुलर माइकोराइजा, ये क्या कर रहा है, फंगल हाइफा पेनिट्रेट करता है सेल को एंड फॉर्म्स फाइनली ब्रांच आर्बिस्कुल्स इंट्रा सेलुलरली, ओके एंड फॉर्म वेसिकल्स इन द इंटर सेलुलर स्पेस ऑफ कॉर्टिकल सेल्स, वहीं पे बढ़ते हैं जिसकी वजह से क्या होता है, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है प्लांट का और वो काफी फटाफट बढ़ेगा, अगर उसको ज्यादा न्यूट्रिएंट मिलेगा तो इट कैन ग्रो इन अ वेरी रैपिड रेट, तो यही माइक्रो ऑर्गेनिज्म का हमारा काम होता है, ओके सो दिस इज ऑल अबाउट अवर माइक्रोब्स एंड इट्स बेनिफिशियल। अभी बहुत सारे हमने इस माइक्रोब के टॉपिक में चीजें देखा हुआ है, अभी ये वन शॉट लेक्चर है, इसकी वजह से हमको काफी थोड़ा फटाफट लेना पड़ेगा कुछ कुछ डिटेल में चीजें, हम जब इनका डिटेल लेक्चर लेंगे तब हम देखें, लेकिन मुझे लगता है एग्जाम के हिसाब से ये काफी बढ़िया डाटा है, मैंने अच्छे से फिगर भी आप लोगों को दिए है समझने के लिए, सो यू कैन गेट अ वेरी क्लियर कट आइडिया, ठीक है तो चलो बच्चों नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, तब तक मैं अनुप सर आप सभी लोगों को बाय करता हूँ, एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक देता हूँ, वीडियो को लाइक करो सब्सक्राइब करो शेयर करते रहो, ओके ठीक है और जो भी कुछ आपको लगता है आप कमेंट में डालते रहो कि नेक्स्ट चैप्टर कौन सा लेना है सर, ये चैप्टर पढ़ाओ, यू कैन सजेस्ट, तो हम उसी चैप्टर को आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है बच्चों चलो तब तक के लिए टाटा बाय बाय।